संगीताज ब्लॉग में फिर एक बार आज मैं फिर अपने यही लास्ट कॉर्नर में अपने बगीचे का आई हूँ। आप लोग सोचते होंगे क्यों मैं हमेशा अपने बगीचे के लास्ट मतलब कॉर्नर में ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरा जितना भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है यही है। और ये देखिए इसको, ये मेरा एक छोटा सा बंदर ऐसे ये चढ़ जाता है, पता नहीं कैमरा में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता, मैं बैक कैमरा से बना रही हूँ, बट ये ऐसे ही करता है हमेशा। हाँ तो मैं आपको दिखाने वाली थी, हाँ यही आम का पेड़ आप देख लीजिए। हम लोगों ने इस बार बरसात के टाइम पे हम लोगों ने 2 आम के पेड़ लाए थे, तो ये वाला काफी बड़ा था। बट देखिए इसमें तो ये जो पत्ते आप देख सकते हैं, इसके पत्ते में मतलब ब्लैक ब्लैक डॉट्स से सब पड़ रहे हैं, ये तो फंगस से ही होता है। और ये वाला तो हम लोग को पता नहीं, मतलब हम लोग नहीं लाए थे, लड़कों से मंगवा लिए थे, इसलिए उन लोगों को नहीं पता स्टार्टिंग शायद ये डिजीज होगा इसमें, हम लोगों को नहीं पता चला होगा। और एक ये वाला पौधा लाए, मतलब और एक ये प्लांट लाए थे, मतलब ट्री लाए थे, देखिए ये और एक ये वाला भी हम लोग का काफी अच्छा है, मतलब ये उससे थोड़ा छोटा है और ये मतलब पूरा पूरे तो पूरा हेल्दी है। और इसमें देखिए हम लोग के, ये देखिए इसमें फूल भी हम लोग के आने शुरू हो गए। सोचिए हम लोग इसी बार हम लोग इसको लाए हैं, 6-7 महीने में हम लोग आम खाएंगे अपने पेड़ का, कितना अच्छा लगता है। और हाँ हाइब्रिड आम है तो मेरे को लगता है साइज भी सबका फिर अच्छा ही होगा। और आज मेरे साथ फिर पोटैटो आया है, वही पेड़ में चढ़ रहा था। और मैं क्या दिखाऊं, आज जाके मौसम थोड़ा साफ हुआ है, थोड़ा क्या मौसम पूरा साफ हो गया, इतना तेज धूप लग रहा है। तो बोलते हैं ना जितना मौसम साफ होता है उतना ज़्यादा ठंडा बढ़ जाती है, तो हवा तो ऐसी ठंडी ठंडी चल ही रही है, ठंडा लग ही रहा है मेरे को। उफ, ये नीचे आने से नहीं होता है, यहाँ इतने मतलब वो क्या बोले तिनके है ना, पतले पतले तिनके अगर स्किन पे लग जाते तो पूरा कांटे जैसे ही घुस जाते हैं हमेशा। और क्या फ्रेंड्स, ठीक है मैं आपको ये दिखाने वाली थी कि हम लोगों के आम के पेड़ में फूल आ गया है। वैसे तो देसी वाले जो पेड़ वहाँ जो आप देख रहे हैं, शायद दिख रहे होंगे आपको, वो भी देसी ही हैं आम के, उसमें आ गए हैं। हम लोग का भी वहाँ पर एक पेड़ है, वो बहुत ही पुराना, किस सदी का है पता नहीं, उसमें भी आ गए हैं, बट इसमें आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही खुशी हो रही है आ रहे हैं, तो देखिए ऊपर भी हो लगा है। मैं तो बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि आम के पेड़ में 4 भी आम हम लोगों के बच जाएं तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं कितने बचते हैं कितने नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना, जैसे कि ये लगे ठीक है, उसके बाद जैसे कि कभी कभी नहीं होता है वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे मुंह में आ नहीं रहा है वो बात, पेट पे मुंह पे नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वो बारिश वाली क्या बोलते हैं, पत्थर बारिश होती है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो हो गई तो ये सब पत्ते मतलब जो नए फूल हैं वो झड़ जाते हैं, या फिर चींटियां अटैक कर देती हैं तो भी हम लोग के जो फूल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिस कारण फिर हम लोग को ज़्यादा हम लोग को आम नहीं मिल पाते। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा और नमस्कार।